वेलकम बैक टू ब्लूम गार्डन फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक करेले के फूलों के ऊपर है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि करेले के पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर की पहचान हम कैसे करें, और फिर इन फूलों का आपस में हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा करेला अपने पौधे में पाएँ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये रेड कलर का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में जो घंटी है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, करेला का मेल और फीमेल फ्लावर की पहचान बहुत ही आसान है। मेल फ्लावर के पीछे पतली सी डंडी रहती है और कोई भी फल बना नहीं होता है, लेकिन जब हम देखते हैं फीमेल फ्लावर तो उसके पीछे छोटा सा करेला बना रहता है फूल के पीछे की तरफ। तो ये है फीमेल फ्लावर, इनकी दोनों की पहचान यही है। फ्रेंड्स, करेला का पौधा जब 1 मीटर से छोटा ही रहता है, 1.5-2 फीट तक का होता है, तभी से उसमें फ्लावर्स नज़र आने लगते हैं, छोटे छोटी कलियाँ बनने लगती हैं, वो होते हैं सारे मेल फ्लावर्स। फिर जब पौधा 2.5-3 मीटर तक पहुंचता है तब जाकर के उसमें साइड ब्रांचेस भी आने लगती हैं और फिर उसमें फीमेल फ्लावर्स भी आते हैं। अब अगर आपके एरिया में बीज हैं और इंसेक्ट्स हैं और वो आकर इनके ऊपर बैठते हैं मेल फ्लावर्स पर और फिर उसके बाद फीमेल पर, तो नेचुरली पॉलिनेशन इनका हो जाता है और आपके करेले की पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपके एरिया में बीज और इंसेक्ट्स नहीं हैं, कम हैं या बहुत कम आते हैं और नहीं हो पाता उनका नेचुरल पॉलिनेशन, तब हम लोग हैंड पॉलिनेशन करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेल फ्लावर, इनको हम तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद इनके फूलों की पंखुड़ियों को मोड़ लीजिए, जिससे इनका पॉलन वाला पार्ट ओपन हो जाता है। फिर इस मेल फ्लावर के पॉलन को जो फ्रेश खिले हुए फीमेल फ्लावर हैं उनके स्टिग्मा से थोड़ा थोड़ा ब्रश की तरह हम आगे पीछे इस तरह हल्का हल्का उस पर प्रेस करते हैं, तो इस तरह मेल फ्लावर का पॉलन फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाता है। और मेल फ्लावर की पंखड़ियों को मोड़ने के बाद देखिए इनका जो है पॉलन वाला पार्ट ऐसे बाहर आ जाता है। फिर हम उनको ऐसे करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ऐसे ऐसे ब्रश की तरह, देखिए इस तरह हम थोड़ा सेकेंड रब करेंगे, और एक मेल फ्लावर से हम कई 2-3 फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन कर सकते हैं। देखिए इसका भी कर देंगे ये बीच के पार्ट में। और फ्रेंड्स, ये रहा हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस। इसके बाद इसमें करेला बनना शुरू हो जाएगा, और आप इसी तरह किसी भी गोड वाली सब्जियां हैं, चाहे वो नेनवा है, तो रोई है, कद्दू है, इनका भी कर सकते हैं। मेल फ्लावर जिनके पीछे डंडी होती है वो मेल फ्लावर होते हैं, और जिनके पीछे वो फल लगा होगा, चाहे वो कद्दू है, चाहे वो नेनवा तरोई है, चाहे वो करेला है, वो फीमेल होता है। उनका दोनों का आप इसी तरीके सेम प्रोसेस से पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेगी। थैंक यू।